हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमन मैक, इस चैनल का होस्ट। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जो इस वीडियो में नया टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास कि हम इंटेंट को कैसे यूज़ करते हैं या इंटेंट होता क्या है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इंटेंट एक हिसाब से स्मॉल कॉम्पोनेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा होगी। ये एक नया टॉपिक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका इस चैनल पर स्वागत है और आप मेरे चैनल पे सारे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इंटेंट, ये वीडियो जो है एक थियोरेटिकल वीडियो है इंटेंट के ऊपर। मैं अगर जो इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा कि हम इंटेंट को यूज़ कैसे कर सकते हैं, कि वो यूज़ कहाँ होगा, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटेंट क्या है? इंटेंट बेसिकली एक मेथड है कि जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मान ले कि अगर मैं अपना ऐप है मेरे पास, तो मैं उसको ओपन करता हूँ, तो हम देखते हैं अगर किसी भी बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर ले जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है हमारा इंटेंट। इन इसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। तो इंटेंट बेसिकली हम एक डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके, कि हम इंटेंट किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, या कोई सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट इंटेंट्स यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान ले कि मेरे पास लॉगिन स्क्रीन है, तो मैं जब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को ऑटोमेटिकली एक नए पेज की तरफ ले जाता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इंटेंट जो है वो स्टार्ट एक्टिविटी वाला मैंने ये इंटेंट लगाया हुआ है। उसी तरह से हम कोई और इंटेंट लगा सकते हैं। तो एंड्रॉयड के इंटेंट के ऊपर भी हमारे पास काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स को अगर मैं बोलूँ तो कंपोनेंट्स एक हिसाब से किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो क्या होगा, हमारे पास बड़ी चीज़ और उसके अंदर जो छोटी चीज़ें होंगी कि वो उसको हम बना रहे हैं, उसके अंदर सर्विसेज कौन सी वो हमारे पास एक हिसाब से कंपोनेंट्स हो गए उसके, कि जो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इंटेंट के हमारे पास काफ़ी फायदे हैं, इसके यूजेज हैं। तो इसके हम डिफरेंट मेथड जो है हम इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, वो कैसे किधर कौन से यूज़ होते हैं, इंटेंट की टाइप्स क्या हैं वो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली इधर इंटेंट के कंपोनेंट है क्या और कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपोनेंट एक हिसाब से हमारे पास बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा होता है। तो बड़ी चीज़ कोई भी हो तो उसका जो छोटी चीज़ें होंगी उसको हम कंपोनेंट बोल देंगे। जैसे इंटेंट के हमारे पास इधर जो है 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला एक्टिविटी सर्विसेज, फिर फ्रैगमेंट, फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर, फिर कंटेंट प्रोवाइडर। ये अलग हिसाब से इसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि हर एक चीज़ को अलग लगाने के लिए कि कौन सी चीज़ें हैं। एक्टिविटी मान लें कि हम कौन सी एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, या कौन सी हमारे पास हम एक्टिविटी हमारे पास एक हिसाब से जब हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो ऊपर जो हमारे को सबसे पहले जो फेस आता है, इंटरफेस या जो स्क्रीन आती है उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो ऐसे ही सर्विसेज की कौन सी सर्विस पीछे लगी हुई है, कौन सा तरीका कैसे काम कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास कंपोनेंट्स हैं हमारे एंड्रॉयड उसके इंटेंट के। तो इंटेंट के अंदर हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं इंटेंट। जैसे कि हमारे पास इंटेंट 2 टाइप्स के हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है? अगर जैसे मान लें कि मेरे पास एक ऐप है, सिंगल ऐप है, तो उस ऐप में मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्क्रीन से मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अब हमारे पास लॉगिन स्क्रीन हमें दिख रही है, तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर कभी कभी हमें पासवर्ड नहीं आता अपना, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो वो क्या करता है कि वो हमें एक दूसरी स्क्रीन की तरफ ले जाता है जहाँ पर हम अपने फॉरगॉट पासवर्ड का जो है अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो वही चीज़ एक्सप्लिसिट इंटेंट है, जो चीज़ ये करता है कि ये हमारा उसी ऐप के अंदर हमारा एक मेथड बनाता है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाएं, ताकि हमारा जो है ऐप जो है वो एक्सेसफुल जो है वो रनिंग करे। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट के हम काफ़ी ये मेथड काफ़ी इजी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इधर कि हम मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी है
इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर पहली फर्स्ट एक्टिविटी है, तो हम उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें दूसरी एक्टिविटी की तरफ ले जाता है कि जिसके अंदर हमने सिंपल लिखा हुआ है कि दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी। तो बस ये बिल्कुल वही एग्जांपल की तरह है कि जैसे मैंने फॉरगेट पासवर्ड का जो बताया हुआ था कि हम जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरी एक्टिविटी की तरफ ले जाता है। और फिर हम जो नेक्स्ट जो है इसके, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है इम्प्लिसिट इंटेंट आता है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट में हम क्या बोलेंगे कि इम्प्लिसिट इंटेंट होता है जैसे मान ले कि हम कभी कभी जो फॉरवर्डिंग करते हैं, जैसे कि हमारे पास गैलरी के अंदर एक फ़ोटो है तो हम क्या चाहते हैं कि ये फ़ोटो हम व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो हम क्या करते हैं कि उधर मैसेज आता है कि हम शेयर करना चाहते हैं। तो वही चीज़ इम्प्लिसिट इंटेंट करता है कि ये एक ऐप से दूसरे ऐप की तरफ लेके जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल मान ले कि मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, फ़ोटो के बाद में मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें बताता है कि हम किस ऐप में शेयर करना चाहते हैं। फिर हम वो ऐप चूज़ करते हैं कि वो, तो वो हमें दूसरा ऐप ओपन करके देता है। इम्प्लिसिट इंटेंट भी वही सेम चीज़ है कि वो हमें पहले एक मेथड देगा कि ये मेथड लगाओ, फिर हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें जो है दूसरे उसके ऊपर ले जाएगा, ताकि हम अपना जो है कि हम वो ले जाएंगे। और फिर इसके बाद ये, तो इस तरह का जब भी हम ऑपरेशन जो करेंगे तो उसको हम इम्प्लिसिट इंटेंट बोलेंगे। तो अभी मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है कि इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।